जय माता दी। प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी से देवा में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में जानकारी देता रहूँगा। और आपको ये भी पता है कि मैं आपके लिए हर रोज़ कोई ना कोई नया विषय लेकर आ रहा हूँ, और इन विषयों में मैं जो भी आपको उपाय बता रहा हूँ आप वो सभी कर सकते हैं, और उसमें आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने अपने घर के अंदर सुख समृद्धि के लिए ये उपाय बहुत ही आसान है। इनसे करने से आपके जो भी रुकावट है वो दूर हो जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर जरूर करें। आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया विषय लेकर आया हूँ कि दिन शुक्रवार के दिन आप ऐसा क्या करें जिससे आपके बंद पड़े बिजनेस व्यापार चल पड़े, आपके व्यापार में आ रही रुकावटें दूर हो जाएँ, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो मैं आपको बहुत ही आसान सा उपाय आज का बताऊंगा, लेकिन आप अगर पूरी श्रद्धा के अनुसार परमात्मा में विश्वास रखते हुए अगर ये उपाय करेंगे तो ही आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आज दिन शुक्रवार के दिन आपने 125 ग्राम मिश्री, 125 ग्राम आपने चावल लेने हैं। जो भी आपके घर में या व्यापार में प्रॉब्लम चल रही है उसका सोचते हुए आपने किसी भी मंदिर में जाकर आपने वहाँ रख देनी है। ये नहीं है कि आपने माता के मंदिर जाना है, शिव भगवान के मंदिर जाना है, जो भी आपके घर के पास मंदिर हो आप वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। किसी के घर के पास अगर मंदिर नहीं है या मंदिर उनके घर से काफ़ी दूर है तो चावल और मिश्री आपने कीड़ों को डाल देनी है। ये उपाय आपने रात्रि होने से पहले, सूर्य डूबने से पहले करनी है। अगर कोई भी उपाय विशेष होगा जो रात्रि में करने वाला होगा तो मैं आपको वो बताऊंगा जरूर, तब आपने रात्रि में उपाय करना है, वैसे आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में कोई समस्या चल रही है या आपके कोई मन में विचार है, कोई आपने सवाल पूछना है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका जवाब मैं आपको 4 या 5 दिन के अंदर आपको दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सभी को ये आप उपाय आगे भी बताएं, क्योंकि उपाय आगे बताने से आपको ही इसका लाभ मिलेगा और दूसरे भी व्यक्ति इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि बहुत ही सरल उपाय है, आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ। जय माता दी।